मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सीएम का चयन और सरकार का गठन बनाना चुनौती साबित हो रही है, जबकि कांग्रेस में हार के कारणों का मंथन। वहीं एक विधायक ऐसे भी इन सबके बीच जो भारतीय आदिवासी पार्टी से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। विधानसभा में पहुंचे तो जरूर है, लेकिन पहुंचने के लिए उनके पास खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं है। एक नई पार्टी है और नए विधायक हैं जो कर्जा लेकर चुनाव जीते हैं इस बार। जरा इनकी झलक देखिए। हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर डोडियार की, जो रतलाम से भोपाल बाइक से ही पहुंच गए। आप कहेंगे इसमें क्या खास है जो बाइक से भोपाल पहुंचे? तो खास बात यह है कि बाइक के पीछे बैठे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, वो अब आम आदमी से खास आदमी बन गए हैं। रतलाम के सैलाना से कमलेश्वर डोडियार विधायक बने हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हर्ष विजय गलहूत को 4000 से ज्यादा वोटों से हराकर क्षेत्र में विधायक बने हैं। वे गरीबी और मुफलिसी के होते हुए भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। वे विधानसभा में जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए बाइक से भोपाल पहुंचे। कमाल की बात तो यह है कि वे दिल्ली से लॉ ग्रेजुएट भी हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में टिफिन बांटकर अपना खर्चा चलाया। वही कमलेश्वर अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। इस बार भी वे आदिवासियों की हक लड़ाई को विधानसभा तक ले जाने की बात कह रहे हैं। मैं सैलाना से आया हूं, रतलाम जिले में, वेस्ट एमपी का सबसे बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश का अपने ही एमपी का ही है। मैं विधायक बन चुका हूं, निर्वाचित हूं, कमलेश्वर डोडियार। मैं कुछ नहीं, मजदूर बैकग्राउंड से आता हूं। मेरी माँ आज भी मजदूरी करे, तब मैं विधायक बन चुका हूं, उनकी मजदूरी बंद हो जाएगी। मेरे पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर है और वो काम मजदूरी नहीं कर सकते हैं। क्या उद्देश्य को लेकर आपने फिर से सेकंड बार चुनाव? पहली बार आप? नहीं, मैंने बहुत पहले से तय कर रखा था। 2009 के अंदर मैंने जनवरी में तय कर लिया था कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए, मैं जा सकता हूँ। बराक ओबामा बहुत गरीब तबके से थे, वो भी राइट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं, केनिया में उनके पूर्वज रहते थे, उनके पिताजी दादाजी वगैरह वगैरह है ना, तो वो एक सफेद देशों के लोग, मैं काला व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया था। मुझे लगा था कि मैं भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी पोस्ट पे तो जा ही सकता हूँ, राजनीति में समाज सेवा कर सकता हूँ। तो मैं मेरी जो पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, भारत के संविधान में जो आदिवासियों का अधिकार है उनको लागू करवाना, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बनी है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 275 का जो अलग से पैसा आता है ट्राइबल बजट का, उसके ऊपर मुझे काम करने की जिम्मेवारी है पार्टी का, मैं विधायक हूँ। तो इसके अलावा जो पैसा कानून उसको भी लागू करवाना है और वन अधिकार कानून उसको भी लागू करवाना है। इसके अलावा तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके के काम करवाना चाहेंगे उस क्षेत्र में, क्या कुछ कमियां हैं? पहले तो जो अभी अर्जेंट में जो जरूरत है, जिन लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करवानी सब गाँव के अंदर मुझे सब लोगों को है ना, और मेरी ये सोच मैं लोगों को बोला भी है, मैं विधायक बनने के बाद में जो भी सरकार बनेगी सरकार से बात करके हर खेत तक पानी पहुंचाने की इंतजाम करूंगा, ये मैंने कहा है लोगों को, तो मैं करूंगा। भोपाल आने का क्या, किस तरह से आप भोपाल तक आ रहे हैं? भोपाल तो देखिए, मेरे पास मुझे कायदे से आना चाहिए, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मुझे फोर व्हीलर में आना चाहिए था, लेकिन समय पर मेरे पास अवेलेबल ना हो सकी, इसलिए मैं भोपाल चला आया हूँ। कम खर्च बाइक से, बाइक से आपने? हाँ, हमने हिसाब किया था, 12 लाख के आसपास टोटल पैसा हुआ था, सारा गाड़ियों का वाहन का सारा खर्चा मिला करके 12 लाख के आसपास हुआ था। उसकी वजह से तो हमने भीख मांगा था झोली फैला करके, उससे काम नहीं, समय ज्यादा लग रहा था, फिर हमने नूतन परंपरा का यूज किया था। नूतन का मतलब होता बिना ब्याज का पैसा समाज से उधार लिया जाता है। आपकी भाषा में, और हमारे गरीब की भाषा में उसको भीख कहते हैं। तो अभी लौटाएंगे आप? लौटाएंगे नहीं, विधायक बन चुका हूँ मैं, बिल्कुल हरा।